प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। लाभ हानि की सीरीज के अंदर आज की जो अपनी क्लास है उसमें कुछ नए टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसका एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी भी अपने चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास के अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो है ये, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपए में 12 की दर से खरीदता है और इन सभी वस्तुओं को 14 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, तो बताओ कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो देखो, करने का क्या तरीका रहेगा, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है कि 15 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी, 12, और इन सभी को यानी 15 रुपए में 12 की दर से खरीदी है, इन सभी को 14 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, 14 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। इसका मतलब यह है कि इन सभी को जितनी वस्तु यहां खरीदी है उतनी वस्तु यहां बेचेगा। तो अपने क्या करते हैं, यहां और यहां वस्तुओं की संख्या इक्वल कर देती है। 12 और 10 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 60। 12 पांच 60, इसका मतलब यहां अगर 60 वस्तु खरीदी है तो इसको भी 60 बना देते हैं। 12 पांच 60, 10 छिके 60। 60 वस्तु यहां खरीदी है तो बेचेगा भी कितनी, 60। यहां अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पांच 75 और ये हो जाएगा 6 से 14 छिके 84। अब क्वेश्चन ये बन गया कि 75 रुपए में 60 वस्तु खरीद के लाया और उन सभी को 84 रुपए में 60 वस्तुओं को बेच दिया। उन सभी का मतलब है जितनी यहां खरीदी है उतनी यहां बेची है, ठीक है। तो अपने को एक बात पता चल गई कि 75 रुपए क्रय मूल्य, 84 रुपए विक्रय मूल्य, कितने रुपए का लाभ हुआ, 75 से 84 9 रुपए का लाभ हुआ है। और लाभ का प्रतिशत अगर ज्ञात करें तो लाभ और हानि का जो प्रतिशत क्रय मूल्य पे आता है, क्रय मूल्य है 75 और इनटू में आ जाएगा 100। 25 चौके 100, 25 तीय 75, 3 तीय 9, 4 तीय 12 प्रतिशत का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। वस्तुओं की संख्या अपने को बराबर करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। वस्तुओं की संख्या बराबर करेंगे तो अपने पास क्रय मूल्य आ जाएगा और उससे अपने क्वेश्चन हल कर लेंगे, क्योंकि लाभ हानि के अंदर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की अपने को जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपए में 8 की दर से बेचता है, खरीदता है, ठीक है, और इन सभी को मतलब जितनी वस्तु खरीदी है उन सभी को 18 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, तो बताओ लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो देखो, मैं क्रय मूल्य की बात करूं तो 15 रुपए में 8 की दर से खरीदता है और उन सभी को 18 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, उन सभी को मतलब जितनी वस्तु यहां खरीदी है उन सभी को, जितनी खरीदी है उन सभी को बेचेगा। तो 8 और 10 का एलसीएम 40, इसको अपने 40 बना लेते हैं। 40 बनाने के लिए 8 पांच 40, यानी 40 वस्तु अगर खरीदी है तो 10 चौके 40, 40 ही बेचेगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 5 से, 15 पांच 75 इंटू, इसको 4 से गुणा करेंगे, 18 चौके 72। अपने को यहां से पता चल रहा है कि लाभ हुआ है या हानि हुई है,
75 से बेहतर। क्या हुआ है, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, 75 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी 40, 72 रुपए में कितनी वस्तु बेची 40, 75 से बेहतर हानि हुई है। हानि का प्रतिशत अगर अपने ज्ञात करें कितने की हानि हुई है, 3 की, बटा में क्या आएगा 75 आएगा, क्योंकि क्रय मूल्य इनटू में आएगा 100। 25 × 75, 25 × 100, 3 से 3 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 4% की हानि। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें और क्या पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं कि इस, मैंने दो क्वेश्चन करे हैं उसमें लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात किया। आज का जो अपना तीसरा क्वेश्चन है वो है ये, ऐसा क्वेश्चन भी आपके जीवन में आ सकता है, आपके पेपर में आ सकता है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो उस क्वेश्चन को कैसे करना है चलिए देखते हैं। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है और इन सभी को 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है और इन सभी वस्तुओं को 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। यदि उसे कुछ 360 रुपए, यदि उसे कुल आएगा यहां पे कुल 360 रुपए की हानि हुई हो तो वस्तुओं की संख्या ज्ञात करो। देखो लाभ या हानि का प्रतिशत अभी तक क्वेश्चन के अंदर पूछा जा चुका है और ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा भी सकता है, तो अपने को उसका तरीका पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। क्रय मूल्य कितना है, तो आप बोलोगे क्रय मूल्य 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। विक्रय मूल्य की बात करें उन सभी को, इसका मतलब जितनी वस्तु खरीदी है उतनी वस्तु बेचेगा, उन सभी को 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। एक बात स्पष्ट पता है कि वस्तुओं की संख्या क्या है, बराबर है। 4 और 5 को बराबर करेंगे इसको 5 से मल्टीप्लाई 20, इसको 4 से मल्टीप्लाई 20, ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से, कितना हो जाएगा 25, और इसको अपने करेंगे 4 से, ये हो जाएगा 16। अब देखो 25 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी है 20, 25 रुपए में 20 वस्तु खरीदी है और 16 रुपए में 20 वस्तु बेची है। तो यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने रुपए की हानि हुई है, 25 से 16 हानि हुई है कितने रुपए की, आप बोलोगे 9 रुपए की हानि हुई है, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कितने रुपए की हानि हुई है, वास्तव में 360 रुपए की हानि हुई है। एक का मान ज्ञात कर लो, 9 × 36 क्या आएगा 40, एक का मान 40 आ गया। अपने को किसका मान चाहिए, अपने को चाहिए वस्तुओं की संख्या, मतलब 20 का मान चाहिए। एक का मान 40 है, 20 से गुणा कर देंगे और अपना आंसर क्या आ जाएगा 800, वस्तुओं की संख्या है 800। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको कर लोगे। सेम ही एक ऐसा क्वेश्चन आपको और देता हूं, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 8 की दर से खरीदता है, 5 रुपए में 8 की दर से खरीदता है तथा इन वस्तुओं को 7 रुपए में 6 के भाव से बेच देता है, उसे कुल 780 रुपए का लाभ हुआ हो तो वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 5 रुपए में क्रय मूल्य क्या है, 5 रुपए में 8 की दर से खरीदता है, इन सभी को 7 रुपए में 6 के भाव से बेच देता है। यदि उसे कुल 780 रुपए का लाभ हुआ हो तो वस्तुओं की संख्या ज्ञात करो,
तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि वस्तुओं की संख्या क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। आठ और छह को बराबर करेंगे, आठ और छह का एलसीएम क्या होगा, चौबीस, तीन से तो इसको चार से, आठ ये चौबीस, छह चौके चौबीस, इसको तीन से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी तीन से, पांच दिए पंद्रह, इसको चार से, सात चौके अट्ठाईस। ठीक है, अब देखो यहां क्रय मूल्य पंद्रह रुपए है, विक्रय मूल्य अट्ठाईस रुपए है। पंद्रह से अट्ठाईस कितने रुपए का लाभ हुआ है, आठ और पांच तेरह रुपए का लाभ हुआ है, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, सात सौ अस्सी रुपए का लाभ हुआ है। बराबर रख देते हैं, एक का मान ज्ञात कर लेते हैं, तेरह पांच पैंसठ, तेरह छिके अठहत्तर, एक का मान साठ आ जाएगा, इनटू आपको मान किसका चाहिए, चौबीस का, चौबीस से गुणा कर दो, चौबीस पांच एक सौ बीस, चौबीस छिके एक सौ चौवालीस होते हैं, वन फोर फोर जीरो, तो वस्तुओं की संख्या कितनी आ जाएगी, चौदह सौ चालीस आ जाएगी। तो वस्तुओं की संख्या भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन का तरीका, टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को तीन रुपए में दो की दर से खरीदता है, उतनी ही वस्तुएं दो रुपए में चार की दर से खरीदता है, उतनी ही मतलब जितनी यहां खरीदी है उतनी, उन सभी वस्तुओं को पांच रुपए में तीन की दर से बेच देता है, तो बताओ लाभ या हानि का प्रतिशत। जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था उस क्वेश्चन के अंदर और इस क्वेश्चन के अंदर क्या अंतर है, पहले वाले में एक बार खरीदता है एक बार बेचता है, इस क्वेश्चन के अंदर दो जगह से खरीद के और उन सभी वस्तुओं को बेचता है। तो चलिए देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, मैंने लिखा क्रय मूल्य, पहले तीन रुपए में दो की दर से खरीदता है उतनी ही वस्तु, मतलब ये भी क्रय मूल्य, दो रुपए में चार की दर से खरीदता है, इन सभी को, यानी ये विक्रय मूल्य हो गया, इन सभी को पांच रुपए में तीन की दर से खरीदता है, बेचता है। कुछ वस्तुएं तीन रुपए में दो की दर से, उतनी ही वस्तुएं दो रुपए में चार की दर से, उन सभी को पांच रुपए में तीन की दर से बेचता है। यहां खरीदता है बेचता है, पहला जो क्वेश्चन था खरीदता है फिर बेच रहा था, यहां दो जगह से खरीद रहा है, जितनी वस्तु यहां खरीद रहा है उतनी वस्तु यहां खरीदेगा, उन सभी को यहां बेच देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी वस्तु यहां होगी उतनी वस्तु यहां होगी, तो वस्तुओं की संख्या अपने क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो चार तीन दो का एलसीएम अगर मैं लूं बारह, तो इसको आप बारह बना लो। ठीक है, बारह बनाने के लिए क्या करेंगे, बारह बनाने के लिए इसको अपने छह से गुणा करेंगे, इसको बारह बनाने के लिए तीन से गुणा करेंगे, बारह। ठीक है, अब देखो इसका मतलब यह कि यहां बारह वस्तु खरीदी है तो यहां भी बारह खरीदेगा, बारह और बारह बेचेगा कितनी, तो आप बोलोगे चौबीस बेचेगा, तो इसको चौबीस बनाना है, इसको चौबीस बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, आठ से। अब देखो इसको छह से गुणा किया तो इसको भी छह से गुणा करेंगे, छह तीन अठारह, इसको तीन से गुणा किया तो इसको भी तीन से गुणा करेंगे, क्या आएगा, तीन दो छह, इसको आठ से गुणा किया तो इसको भी आठ से गुणा करेंगे तो ये आएगा आठ पांच चालीस। मेरे को ये बताओ कि बारह वस्तु यहां खरीदी बारह वस्तु यहां खरीदी, टोटल कितनी खरीदी, तो आप बोलोगे चौबीस। अच्छा चौबीस वस्तु कितने में खरीदी है, चौबीस वस्तु अठारह और छह, चौबीस वस्तु चौबीस में खरीदी है। देखो क्वेश्चन के अंदर दिया है कुछ उतनी, मतलब जितनी वस्तु यहां होगी उतनी वस्तु यहां होगी, उन सभी को 12 और 12 24 खरीदी है, बेचेगा भी कितनी, 24 बेचेगा। अब देखो 24 वस्तु 24 रुपए में 24 वस्तु खरीदी है, 40 रुपए में 24 वस्तु बेची है, तो यहां अपने को स्पष्ट पता चल रहा है कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 24 से 40
24 से 40 कितने रुपए का लाभ हो रहा है? तो आप बोलोगे लाभ का प्रतिशत ज्ञात करेंगे, 24 से 40 16 रुपए का लाभ हो रहा है, और बटा में क्या आएगा 24 आएगा, और इंटू में क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है, तो 8 दुनी 16, 8 3 24 यह आएगा 200/3 66 सही 2/3 प्रतिशत का क्या होगा लाभ हो जाएगा। ये नेक्स्ट टाइप का था, दो बार खरीद के एक बार बेच रहे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार से करोगे, आसानी से हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2 रुपए में 3 के भाव से खरीदता है, सेम ही क्वेश्चन है वैसा ही, वह उतनी ही वस्तुएं 3 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है, जितनी पहले जगह से खरीदी उतनी दूसरी जगह से खरीदेगा, उतनी ही वस्तुएं 3 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है, इन सभी वस्तुओं को वह 5 रुपए में 6 के भाव से बेच देता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो उसी प्रकार करेंगे क्वेश्चन को, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। देखो अगर आपने 2-4 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट अपने को वही नोट करना है और जल्दी से आंसर निकालना है। तो देखो जितनी कम कैलकुलेशन करोगे क्वेश्चन सही होगा, अगर ये कैलकुलेशन ज्यादा करोगे तो क्वेश्चन के गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। देखो 2 रुपए में 3 के भाव से, 3 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है, और इन सभी को 5 रुपए में 6 के भाव से बेच देता है, उन सभी को जितनी यहां खरीदी है उतनी यहां खरीदेगा, उन सभी को बेचेगा, तो इस जगह और इस जगह वस्तुओं की संख्या क्या करेंगे अपने बराबर करेंगे। तो वस्तुओं की संख्या बराबर करने के लिए 3, 4, 6 का एलसीएम 12, तो इसको आप 12 बना लो, 12 वस्तु यहां खरीदी है, इसको 3 से गुणा कर दो, 4 3 12, तो इसका मतलब 24 वस्तु खरीदी है, तो बेचेगा कितनी 24 ही बेचेगा, तो 6 को किस से गुणा करेगी 24 बन जाए, तो आप बोलोगे 4 से गुणा कर लो। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 4 से, 4 2 8, इसको किस से गुणा करेंगे 3 से किया तो ये हो गया 3 3 9, तो ये हो गए 17 रुपए। 17 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी है 24। अच्छा इसको 4 से गुणा किया तो इसको भी 4 से, 5 20। अब क्वेश्चन ये है कि 17 रुपए में 24 वस्तु खरीदी है, 20 रुपए में 24 वस्तु बेची है, तो लाभ हुआ या हानि हुई उसका प्रतिशत आपसे पूछा है, तो स्पष्ट पता चल रहा है कि 17 से 20 3 रुपए का लाभ हुआ है, 3 रुपए का लाभ हुआ है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करेंगे, बटा में आएगा 17 इंटू में क्या आ जाएगा 100, तो आपका आंसर हो जाएगा 300/17%। आगे भाग दे लेना, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया है, आपके जीवन में ऐसा क्वेश्चन उतरता है तो आप उसको कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो थोड़ा सा मैं इसी में बता देता हूं आपको और क्या परिवर्तन हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे अपने। मैं यहां पे बोलूं कुछ वस्तुएं 2 रुपए में 3 के भाव से, उससे दुगनी वस्तुएं 3 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है, इसका मतलब है कि यहां अगर 12 खरीदी है तो यहां वो 24 खरीदेगा, दुगनी बोला है, तो थोड़ा थोड़ा ये परिवर्तन होता है, दुगनी है उतनी है, तो इन सभी को आपको देखना है, इन शब्दों का आपको देखना भी कैसे यूज करना है, ऐसे नहीं कि अपने एक ही तरीके से सभी क्वेश्चन करते जाए और अपना आंसर ना आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपए में 3 रुपए में 2 के भाव से खरीदता है और इससे 2 गुनी गिरा, वस्तुओं को 2 रुपए में 3 के भाव से खरीदता है, इन सभी वस्तुओं को 7 रुपए में 6 के भाव से बेच देता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको ऐसे नहीं है कि ये भी 2, 3 में 2, 2 में 3 और 7 में 6 दिया और क्वेश्चन हल करने लगे, नहीं, आपको यहां देखना है क्या उतनी ही वस्तुएं हैं, क्या 2 गुनी है,
हो सकता है कि आपको तीन गुनी दे दे, तो आप क्या करोगे, पहली जगह से जितनी वस्तु खरीदी है उससे तीन गुनी। अभी क्वेश्चन को हल करते हैं, देखो क्रय मूल्य है तीन रुपए में दो की दर से, उससे दुगनी वस्तुएं दो रुपए में तीन के भाव से, और उन सभी को सात रुपए में छह के भाव से बेच देता है, सात रुपए में छह के भाव से बेच देता है, ठीक है। अब देखो क्या करना, अभी तक जो मैंने दो क्वेश्चन कराए उसमें कुछ उतनी मतलब जितनी यहां होगी उतनी यहां होगी उन सभी को, इसमें क्या है कुछ वस्तुएं उससे दुगनी वस्तुएं उन सभी को, तो देखो तीन रुपए में दो के भाव से, तो अपने दो तीन छह का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा छह, ठीक है। तो यहां छह बना लेते हैं, तीन से गुणा करते हैं। अब देखो कुछ वस्तुएं उससे दुगनी, मतलब यहां अपने को बारह बनाना पड़ेगा, तो बारह बनाने के लिए इसको चार से, वस्तुएं कितनी होगी, वस्तुएं होगी अठारह, बेचेगा कितनी छह यहां से खरीदी बारह यहां से, बारह क्यों लगाया क्योंकि क्वेश्चन में दिया दुगनी, अगर यहां से चार खरीदेगा तो यहां कितनी होगी आठ, आठ और चार बेचेगा कितनी बारह, यहां से छह खरीदी है तो यहां से कितनी खरीदेगा बारह, बारह और छह टोटल कितनी होगी अठारह, बेचेगा कितनी अठारह, तो यहां लगाएंगे अठारह। इसको अठारह बनाने के लिए तीन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तीन से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी तीन से, तीन तीय नौ, इसको चार से गुणा किया तो चार से चार दुनी आठ। बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की, आपको इन शब्दों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन कभी भी आपके जीवन में गलत नहीं होगा। अब देखो आठ और नौ कितने हो गए सत्रह, सत्रह रुपए में कितनी वस्तु खरीदी है अठारह, क्योंकि एक जगह से छह एक जगह से बारह, अच्छा अठारह वस्तु खरीदी अठारह ही बेचेगा कितने रुपए में, तीन से मल्टीप्लाई किया इसको भी तीन से सात दिए इक्कीस रुपए में, सत्रह से इक्कीस कितने रुपए का लाभ हुआ, आप बोलोगे चार रुपए का लाभ हुआ, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करेंगे चार बटा में सत्रह इंटू में सौ, आपका आंसर हो जाएगा 400 बटा 17 प्रतिशत। क्वेश्चन का तरीका मैंने आपको बता दिया है, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने आपको यहां पे बता दिया, भी दुगना पूछे। अच्छा अगर इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे बोल दे दुगने की जगह तीन गुना कर दे, तो यहां छह तीन गुना कितना आ जाएगा 18, 18 और छह यहां कितना आ जाएगा 24, 24 खरीदी है वस्तुएं तो बेचेगा कितनी 24 ही, क्यों, क्योंकि उसने बोला है उतनी ही। ये आज की क्लास थी, अच्छी क्लास थी, आज का जो अपना टॉपिक था लाभ हानि के अंदर पार्ट टू, तो जो आज मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसमें से 101% क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अपने इसी उत्साह उमंग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।